पर ध्यान ही ना दे, इसके ऊपर मेंटेनेंस कुछ भी ना करे गए, तो ये आवाज़ इतनी बढ़ जाती है, जैसे रो में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो ये आवाज़ बढ़ते बढ़ते सीधा इस रो में आ जाती है, यहाँ पे लोग बैठे हुए उनको आती है, यहाँ पे आती है, उसके बाद बढ़ती है यहाँ तक। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज बड़े दिनों के बाद मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। रीज़न है मेरा कॉलेज की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसी के वजह से थोड़े बहुत वीडियोस लेट हो रहे हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है हमारे स्पेसिफिकली हमारी गाड़ी के ऊपर है, और जो भाई भी ओमनी ओन करते हैं उनके लिए वे रहने वाली है। कुछ दिनों से कैसे है कि भाई आप लोगों को भी पता है कि मैं जो पहले वीडियोस जैसे बनाता था इस गाड़ी के ऊपर कि रियर सस्पेंशंस के ऑयलिंग के ऊपर वगैरह, आप में से बहुत सारे भाइयों को पता नहीं रहेगा, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं जो उनको पता रहेगा, क्योंकि जो भाई भी ओन करते हैं ओमनी उनको ज़रूर पता होगा कि रियर सस्पेंशन से कैसे आवाज़ें आती है। आप लोगों को नहीं पता तो ओमनी के लिए रियर सस्पेंशन दिया हुआ है जो कि कमानी, हम लोग सादे सरल भाषा में बोले तो कमानी उसको बोलते हैं, तो उसका आवाज़ जैसे टाइम बीतता चला जाता है वो आने लगता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगता है। आपको मैं आवाज़ भी उसकी सुनाऊंगा कि किस तरीके से गाड़ी अगर रोड पे मूवमेंट करती है तो कैसा आवाज़ आता है, तो वो आप लोगों को मैं इसी वीडियो के अंदर परमानेंट, तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसका कि ये आवाज़ परमानेंटली बंद करा जाए, लेकिन ऐसा सोल्यूशन है वो कुछ महीनों के लिए हम उस आवाज़ को बंद कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर सब कुछ पता चलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, और माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहे हैं, लेकिन अपने गाड़ी के ऊपर आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ गई, आपकी वीडियो गाड़ी के ऊपर वीडियोस बना के, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते, और सबसे पहले आप आवाज़ सुनिए कि किस तरीके से आवाज़ आती है। ओके गाइस, तो आपने आवाज़ सुन ली होगी, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरीके से आवाज़ आती है। इस आवाज़ को हम लोग परमानेंटली बंद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम लोग इस आवाज़ को घटा सकते हैं। वो किस तरीके से घटा सकते हैं, एक तो है ऑप्शन अपना ऑयलिंग करना, या फिर उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करना। सबसे बेस्ट तरीका वही है कि आप इसको ऑयलिंग कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये आवाज़ कुछ महीनों के लिए जा सकती है। ये तो अभी कुछ नहीं आ रही, इसके जो बात की है मतलब इसके ऊपर ध्यान ही ना दे, इसके ऊपर मेंटेनेंस कुछ भी ना करे गए, तो ये आवाज़ इतनी बढ़ जाती है। जैसे कि अभी जो आवाज़ आ रही है इस रो में बैठे तो ज़रूर आती है, कंफर्म आती है। रात के टाइम पे ट्रैवलिंग करना, या फिर पोर्ट होल्स के ऊपर से गुजर रहे हैं, या फिर ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते टाइम पे बहुत इस रो में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो ये आवाज़ बढ़ते बढ़ते सीधा इस रो में आ जाती है, यहाँ पे लोग बैठे हुए उनको आती है, यहाँ पे आती है, उसके बाद बढ़ती है यहाँ तक। तो आपको ये ड्राइविंग करते टाइम पे मुझे तो बहुत ऐसे इरिटेटिंग सा लगता है, कुछ महीनों से मैंने इसको देखा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आवाज़ बहुत बढ़ गई है, तो इसको हम लोग ज़रूर आवाज़ को घटाएंगे। हम लोग अब सीधा सेटअप कर लेते हैं कि इस टायर को बाहर निकालना पड़ेगा, इसका सब अच्छे तरीके से जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं इसको अच्छे तरीके से क्लीन करना पड़ेगा, जो ये मिट्टी वगैरह सब कुछ लगी हुई है। तो आपको दिमाग में सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग इसके ऊपर ऑयलिंग करते हैं तो ये मिट्टी ऊपर बैठ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो क्या उसका फ़ायदा। लेकिन जो ये जो गैप्स आप देख रहे हैं ये वाले, इन गैप्स में से वो जब रगड़ते एक दूसरे को वो आवाज़ इसको आती है, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं, टायर को निकाल लेते हैं।
ओके गाइस, सो यू कैन सी हमारा जो टायर है निकाल चुका है। तो जैसे कि देख सकते हो कि ये जो पूरा हमारा रियर सस्पेंशन है, इसे देखा जाए, ये कमानी, ये पूरी अभी मिट्टी से भरी हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे, देख सकते हो, ठीक है, ये पूरी यहाँ पे मिट्टी से भरी हुई है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको ऑयलिंग करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं क्या अभी दिखा रहा है ये। देखें, हाथ बहुत गंदे हो रखे हैं, लेकिन करना तो करना ही है। तो आप देख सकते हैं पूरी मिट्टी से ये भरा हुआ है। तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे, उसके बाद इसके हम लोग ऑयलिंग की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही साथ आप ये यहाँ से भी देख सकते हैं जो इसकी कंडीशन यहाँ से भी हुई है, देख सकते हैं पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे, तभी इसको हम लोग ऑयलिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके गाइस, सो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये अच्छे तरीके से क्लीन हो गया। आप देख सकते हैं इसकी पूरी मिट्टी मैंने हटा दी है, लेकिन क्या करेंगे गाइस, इसकी मिट्टी थोड़े थोड़े पार्ट्स में अभी भी है, थोड़े थोड़े जगहों पे अभी भी है। तो इसके लिए मैं सबसे बढ़िया तरीका बताना चाहूँगा कि अगर आप ओमनी ऑन करते हो तो आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हो, और इसका मेंटेनेंस आप इसी तरीके से संभाल सकते हो, जो आपको आवाज़ आने से नहीं रोकेगा, लेकिन आप लोगों को आवाज़ कुछ दिनों के लिए तो बंद हो जाएगी। लेकिन क्या करेंगे गाइस, ये जो आप भी ये मड फ्लैप देख रहे हो, इसको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप एरिया देख रहे हो इसमें थोड़ा सा बहुत अड़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे समथिंग लगेगा, इसका बोल्ट, इसका 10 का यहाँ पर बोल्ट लगेगा, जिसके अंदर हम इसको रिमूव करेंगे। तो इसको पहले सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं, देख सकते हैं इसको हम लोग पहले रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको पानी से अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं। पानी से ऐसे अच्छे तरीके से क्लीन होने के बाद ये सबसे परफेक्ट क्लीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। जैसे मैं अभी इसको निकाल लेता हूँ, फिर आपको बाद में बात। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, एकदम नए जैसे दिख रहा है, जैसे नई नई गाड़ी शोरूम से उतर रही है, वैसा मैंने क्लीन कर दिया है। आप देख सकते हैं पूरी मिट्टी निकल चुकी है इसकी, क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना भी हाथ फैला लूँ, एक सॉफ्टनेस फील हो रही है, ऐसा कोई भी मिट्टी का दाग इसके ऊपर नहीं दिख रहा। तो इसको हम अब शुरू करेंगे ऑयलिंग की तरफ। तो ऑयल बताता हूँ मैं, ऑयल कौन सा लिया हुआ है, ऐसे कोई नया ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको, एकदम जो नए नए गाड़ी में डालते हैं सर्विसिंग के टाइम पर, वैसा कोई भी ज़रूरत नहीं लगती।
इसको ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। सो जैसे कि देख सकते हो कि अभी मैंने यहाँ पर जो मोतुल का दिख रहा है आप लोगों को ये ऑयल कैन, तो इसके ऊपर कोई भी ऐसा नया ऑयल नहीं इसकी यूज़ करने की ज़रूरत है। इसको करने के लिए आपको, अगर आपकी चाहे गाड़ी हो या फिर टू व्हीलर हो, उसमें से जो निकलता है सर्विसिंग के टाइम पे ख़त्म हुआ हुआ ऑयल, उसको आप लोगों को फिल करके लेना है और उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को उसी ऑयल को इसके ऊपर लगाना है। चलिए गाइस शुरू करते हैं हम सीधा। अब ये अच्छे तरीके से सूख भी गया है और क्लीन भी हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अब ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ऑयलिंग हो चुकी है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ से भी। ठीक है, आपको आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ से मैंने ऑयलिंग की, किस तरीके से की। ये जो आवाज़ है, ये सारा काम होने के बाद अब इस साइड की हो गई, हमें दूसरी तरफ सेम ऐसा ही प्रोसीजर करना है सब कुछ। सो देखते हैं अब हम, मैं क्या करता हूँ कि उस तरह का भी करके लेता हूँ और बाद में आप लोगों को, अब लास्ट फाइनली मैं आप लोगों को आवाज़ सुनाता हूँ कि आवाज़ आती है फिर नहीं। ये जो ऑयलिंग मैंने करी है, ये जो आप सरफेस देख रहे हैं पूरा ऊपर का, ठीक है, यहाँ तक ऑयलिंग नहीं बचता हो, सरकते सरकते नीचे आ जाता है। ये जो गाले देख रहे हैं आप, ये सारे, ये जो गैप्स देख रहे हैं, इसके अंदर टिक्के रहता है। वो एटलीस्ट, कम से कम नहीं बोला तो एटलीस्ट 4 महीनों तक ये अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, आप लोगों को आवाज़ महसूस नहीं होती कैबिन तक, जैसे कि देख सकते हो इस रो में। ठीक है, गाड़ी के अंदर थोड़ा सा भी नॉइज़ नहीं आता। आपको ऐसे ही कम से कम 4 से 5 महीने में मेंटेनेंस करते रहना है गाड़ी का, तभी अच्छी तरीके से आपका गाड़ी का जो ये सस्पेंशन है, ये आवाज़ करना बंद करेगा। सो उस तरफ भी कर लेता हूँ, बाद में मैं आप लोगों को फाइनली आवाज़ सुनाता हूँ। ओके गाइस, सो हमारे दोनों साइड के कमानियों को ऑयलिंग करने से हो चुका है, देख सकते हैं कम्प्लीटली। आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन और अच्छे तरीके से इसको ऑयलिंग हो चुका है, दोनों साइड का हो चुका है। सिर्फ नट कसना बाकी है और उस साइड से गाड़ी को नीचे लेना बाकी है, जैक से उतराना बाकी है। देख सकते हैं अभी भी जैक पे खड़ी है गाड़ी इस साइड से, तो आप देख सकते हैं इसको इस साइड से भी मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया। मड फ्लैप उस तरफ का भी लगाना रह रहा है। अभी क्या करता हूँ कि इस मतलब इसको नीचे ले लेता हूँ, पूरे नट कस देता हूँ और फिर आपको आवाज़ सुनाता हूँ। अब उधर का भी मड फ्लैप लगाना रह रहा है, आप देख सकते इस साइड की तरफ से कम्प्लीटली अच्छी तरीके से। ओके गाइस, तो आई गेस आप लोगों को पता चल गया होगा जो मैंने आज गाड़ी के ऊपर काम किया, उसी के अकॉर्डिंगली जो आवाज़ मुझे कैबिन तक फील होती थी, मतलब यहाँ पर तीसरे रो में, उसके बाद सेकेंड रो में, उसके बाद सीधा जैसे गाड़ी चलाते बैठते उसके टाइम पे कैसा आवाज़ आता था,
आप वापस से सुन लो कि पहले वाला आवाज कैसा है और अब वाला देखिए। आई गेस आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा कि आवाज आने में ना आने में। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ महीनों के लिए, मतलब एटलीस्ट मई जून तक मैं इस आवाज को नहीं सुन पाऊंगा। इस आवाज को परमानेंटली बंद करने का मेरे पास कोई भी ऐसे इलाज नहीं है। अगर आपके पास कोई इलाज है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में भी जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ये जो लाइटिंग सेटअप है आपको कैसा लग रहा है? अभी तो मैंने लाइट चेंज कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो इसे लाइटिंग के ऊपर तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे।